ITEST. इस यूजर्स में मैं रन करता हूँ डेटाबेस को, ठीक है। डेटाबेस आपका रनिंग सेलेक्ट नेम डेटाबेस टीपीजी जो है, ठीक है। अपन मॉड जो है उसका रीड राइट, ठीक है। और मेरा डेटाबेस जो है वो ये मैंने कल चेक कर लिया था, ठीक है। और हमने आर्काइव लॉग मॉड डेटाबेस का एनेबल कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट्स है कि फुल डेटाबेस बैकअप, जब तक हमारे पास फुल डेटाबेस बैकअप नहीं होते तब तक हमारे पास रिकवरी की सिनेरियो नहीं होता। फुल डेटाबेस बैकअप एंड फुल डेटाबेस रिकवरी, ठीक है। तो पहला सिनेरियो जो है, पहला सिनेरियो क्या करते हैं, हम ये कर रहे हैं कि आपके सिस्टम में फुल डेटाबेस बैकअप ले रहे हैं, ठीक है। तो बैकअप लेने के लिए हम एक डायरेक्टरी डिजाइन करता हूँ, जो आपके पास उसे डिजाइन है बट फिर भी हार्ड बैकअप है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे फाइलें बना पड़ा है, ठीक है। हम इधर कुछ ना करके क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्टरी बना रहे हैं टुडे डेट का, टुडे डेट 12, ठीक है, ठीक है। अब इस लोकेशन में हम कंप्लीट डेटाबेस का बैकअप लेंगे, ठीक है। बट बिफोर टेकिंग बैकअप हम क्या करते हैं कि टेबल स्पेस एक डेटा फाइल ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम एक चेक करते हैं सेलेक्ट फाइल नेम फ्रॉम डीबी डेटा फाइल्स, ठीक है। क्रिएट टेबल स्पेस, क्रिएट टेबल स्पेस, टेबल स्पेस नेम जीएसटी फाइल, इस लोकेशन पर हम फाइल तैयार कर दे रहे हैं, डेटा फाइल 0.dbf साइज साइज 500, ठीक है। एक यूजर बना दिए, एक टेबल स्पेस बना दिए। इस टेबल स्पेस में एक डेटा फाइल जिसके साइज 500 है। अब हम यूजर डिजाइन करेंगे, जो यूजर डिफॉल्ट की जीएसटी टेबल में डेटा प्रोवाइड करेगा। ये पॉइंट कंफ्यूजन है यहाँ पे, इसी को क्रिएट यूजर, यूजर नेम सी जीएसटी GST and file like password default table space GST default is link over grant resource connect to GST उसे permission देंगे, ठीक है। अब move करें यूजर्स के साथ में जीएसटी पासवर्ड रेड हैट, ठीक है। अब आपने ये सिस्टम से कनेक्ट नहीं करके फाइल चलाया है, सिस्टम रेड हैट एट द रेट क्वेश्चन मार्क आर डी बी सॉरी एस कोल प्लस एडमिन डीएफडी डॉट ये पहले चल चुका है कनेक्ट सीजीएसटी कनेक्टेड, ठीक है। अब कोई सुधार नहीं आएगा। अभी यूजर्स अपना टेबल बनाएगा और उसमें डेटा इंसर्ट करेगा, क्रिएट टेबल
which is our common packet to size 100 call to number 10 insert into T01 values December and 2018. Okay, and apply insert into T01 select star from T01. अब इस स्टेटमेंट को कंटिन्यू रिपीट कर दें, ठीक है? आपके ट्रांजेक्शन चलना स्टार्ट हो जाएगा. करेंट बफर में जो डेटा पड़ा हुआ है ये अपना चलाई जा रहा है, ठीक है, अपना काम कर रहा है. इट इज आपके पास में एक ट्रांजिशन जनरेट हो रहा है, ठीक है. यह सेशन जो है, जो आपके पास करेंट सेशन दिख रहा है, यह सेशन जो है वो TGST का है, ठीक है. हम एक से दूसरा सेशन तैयार करते हैं, दूसरा सेशन जो आपकी चीज का होगा. दूसरा सेशन पुटअप करना पड़ेगा. क्या है सीपी UG1 DB11G थोड़ा डेटा स्टार डॉट PDF अब हमने फाइल को सेट कर दिया जो करंट आपके फाइल लोकेशन, ठीक है. ये बैकअप परफॉर्म इसको उसमें कर दूंगा क्या बैकअप कंप्लीट हो गया. तो फिर हम यहाँ पे आते हैं और राइट करते हैं अल्टर डेटाबेस एंड बैकअप. बैकअप टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है. अब मैं चेक कर लूँ सारे बैकअप आ चुके हैं, ठीक है. हम सिर्फ रिमूव कर दे रहा हूँ इसको अंडू को सबको ये कर दिया. अभी जो हमारे पास यूज वाले फाइल्स हैं ये वाले फाइल, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं इसी में कंट्रोल फाइल का बैकअप बता रहे हैं. अल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल हम जो लोकेशन से कॉपी कर ले रहे हैं सारे अलग टाइप आगे, ठीक है. अब हमारे पास एक तब से बैकअप रेडी हो गया. अब जो है करेंटली जो हमारा हमने जो रिकवरी सिनेरियो निश्चित कर दिया, निश्चित कर दिया. और मैं क्या कर रहा हूँ रिकवरी क्या है, हम फुल डेटाबेस को यहाँ पे यूजर्स जो हैं इधर यूजर अपना कमांड चलाए जा रहे हैं सेलेक्ट टीजी डबल एक टेबल में 2000 चला गया. इसमें देखो इंसर्ट
ये अपना काम कर रहा है। यूजर का कमांड चलाया जा रहा है और कर दिया, यूजर्स का काम चल रहा है, ठीक है। सजन होगी डेटाबेस क्रैश, ठीक है, डेटाबेस क्रैश हो गई, इट मीन्स डेटाबेस चला गया डाउन, ठीक है, डाउन चला गया, किसी ने आया डाउन कैसे गया, किसी ने down. आया डाउन का मतलब है कुछ इशू आ गया, डाउन का मतलब है इशू आ गया, पूरा डेटा इस लोकेशन में किसी ने आया और गलती से मूव करवा दिया डेटा फाइल 01 को, ओल्ड डेटा फाइल, अब ये जो है एक तरफ इशूज आ गया, ठीक है, और एक तरफ जो है यूजर अपना कमांड चला रहा है इनटू D01 सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम D01 बंद को रिकॉर्ड कर दिया। अब इसको प्रॉब्लम ना दिख जाएगा, ये गलती से किसी से हो गया, गलती हो गया तो गलती की कॉन्टैक्ट यूजर को पड़ेगा, डायरेक्ट इंपैक्ट ये ट्रांजेक्शन पर जाएगा, इसको इशू दिख जाएगा, ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पे जो कमिट की ट्रांजेक्शन चल रहा है उसमें इशू दिख जाएगा उसको, इसको फाइल ही नहीं मिलेगा राइट करने के लिए, ठीक है, जब फाइल ही मिलेगा तो दैट्स आर इशू, इशू आ गया, अब इशू आ गया, है ना, हाँ। तो उसका एरर उसको वहां दिख जाएगा, बिल्कुल वहां पे पूरे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट है, सब कनेक्टेड है, तो अगर कहीं भी इशू आएगा यहां नजर आएगा, बिल्कुल यूजर नहीं ये यूजर पर नजर आ गया, अच्छा उधर मेरा डेवलपमेंट टीम काम कर रहा है उसको पता है सर, तो सिनेरियो सेम होता है कि आप टीम में 10 12 बंदे होते हैं, ठीक है, काम कर रहा होता है, ठीक है, ऑन दैट केस कि आपको फोकस होना पड़ता है कि यार किस पे क्या किया, फिर वो कौन सा इशू जा गया, ठीक है, हाँ ये आपको जज करना पड़ता है, या जो इशू आप एग्जाम लेके खड़ा हो गया सर देखो ये इशू है अब सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा आपके पास, अच्छा दैट टाइम आपको क्या करना है, इन दैट टाइम अब आप ये इशू जा गया इशूज का फर्स्ट सोल्यूशन, ये यूजर का एवर सोल्यूशन, ये जो यूजर्स हैं वो यूजर आपके पास में कमांड चला रहा है, हाँ ये कमांड चला रहा है, इसको प्रॉब्लम आया, इसने फोन घुमा दिया आपको, टिकट बना दिया, कंप्लेन कर दिया, देखो रिडर्स में आ गया, जीबी के पास टिकट आ गया, और उसके पास में टिकट आ गया, फिर देखिए प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, आपने देखा अच्छा ये क्या है, आपको दिख रहा है ओरा 1110, हाँ आपको दिख रहा है फाइल 5 कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट दिस टाइम, ठीक है, आपको ये दिख रहा है सर्वर से ट्रांसमिटेड बाय फैटल एरर, इट मींस इस टाइप के एरर दिख रहा है आपको, पक्का ये कंफर्म है कि ये फाइल में कुछ तो इशू आया है, डेटा फाइल 01 जो है ये इसको नहीं मिल रहा, ठीक है, अब इस आपने इशू देखा, ठीक है, आप चले गए सिस्टम के पास, सिस्टम क्या किया, ओके आ गए सिस्टम पर, ठीक है, आपने क्या किया, अल्टर टेबल स्पेस, यानी क्या नाम है टेबल स्पेस का, GST, पहला काम किया, अब ये देखो अब इसको आपने जाने नहीं दे रहा, क्यों भाई, डेटा फाइल ऑलरेडी ऑफलाइन, डेटा फाइल ऑलरेडी ऑफलाइन, इसका मतलब है डेटा फाइल भी जा चुका है, ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा फाइल को ऑफलाइन ले जाना पड़ेगा, कैसे, अल्टर डेटाबेस डेटा हमारे पास जो फाइल पड़ा हुआ है फाइल तो पुराना है, ठीक है, फाइल तो किसी ने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, तो हमने जो बैकअप लिया था बैकअप लोकेशन से ये दूसरी जगह पे UG01 या हार्ड बैकअप
जो फाइल है, फाइल कौन सा है, डेटा फाइल, यह फाइल को हम करंट लोकेशन में कॉपी कर दिया, हमने डेटा फाइल को बैक लेकर क्या किया, पुराना वाला, ठीक है, और पुराना वाला फाइल को अब हम चलाते हैं क्या, रिकवर डेटा फाइल हमसे पूछता है किस टाइप का रिकवरी करना है, ठीक है, कंप्लीट इनकम्प्लीट ऐसा हमने कहा कि जो भी करना है आप ऑटो कर दो, ऑटो मतलब इट मीन्स डिफॉल्ट जो आर्काइव डॉट फाइल है उस फाइल को पिक कर लो, ठीक है, यहाँ देखिए ये सिस्टम सर्च कर रहा है ये वाली फाइल, उस फाइल की फाइल कहाँ पर है, हमने कहा कि आपको जो लिखो लोकेशन से मतलब सर्च कर लो, अब उस लोकेशन पर क्या सिस्टम रिकवर जो है आर्काइव लॉग सर्च करेगा, उस सारी सारी ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन पुरानी वाली थी उसको इस वाली लोकेशन में जो डेटा फाइल है इस वाले में देखिए इस वाले में ये राइट करेगा, ठीक है, इस लॉग अप्लाइड किया, लॉग अप्लाइड, मीडिया रिकवरी कंप्लीटेड, ठीक है, इट मीन्स इट्स ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, अल्टर डेटाबेस डेटा फाइल फाइल हो गया, ठीक है, अब इसको बोल दीजिए कि भाई तू कमांड चला ले, उसका ये कमांड था, उसको बोल दीजिए कि तू अपना कमांड चला ले, अब कहता है कॉलिंग का नॉट कनेक्टेड, कनेक्ट सीजीएसटी कनेक्टेड, अब उसने अपना कमांड चलाना स्टार्ट किया, खत्म हो गया, अपना कमेंट चला दिया, कमेंट चला दिया, हो गया, एक फाइल की रिकवरी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, और जो कंप्लीट हुआ दैट्स आवर डेटा फाइल रिकवरी, दैट्स आवर डेटा फाइल रिकवरी, ठीक है, तो डेटा फाइल रिकवरी कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब हमारे पास है क्या कि डेटा फाइल में एक डेटा फाइल है, पांच छह फाइल है, एक डेटा फाइल है और पांच छह फाइल है, ठीक है, सडनली शुरू हो गया, सडनली शुरू हो गया, इट मींस हमारा डेटा फाइल ही ऑफलाइन चला गया, पांच छह एक फाइल साथ ही पर निकाल लिए, पांच छह फाइलें होगा तो कैसे निकालेंगे, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में ये यहां से बाहर निकलते हैं, ठीक है, इस सिनेरियो में टेबल स्पेस टेबल स्पेस रिकवरी क्या सिनेरियो है, फर्स्ट फर्स्ट टेबल स्पेस बिकम ऑफलाइन हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकवर रिकवर टेबल स्पेस, ठीक है, और जब रिकवर टेबल स्पेस हो गया फिर से क्या कर देंगे, टेबल स्पेस, ठीक है, इस सिनेरियो से आपके टेबल स्पेस की रिकवरी होती है, डेटाबेस की रिकवरी, ठीक है, अब इस सिनेरियो में मैं क्या करता, मैं इसको फिर से बोला, इसको फिलहाल तो मैं एक और फाइल ऐड कर देता हूँ, इसमें एक और फाइल ऐड कर दूंगा, ठीक है, अल्टर टेबल स्पेस जीएसटी ऐड डेटा फाइल और फिर एक बंदा कोई आया जिसने
हमारे दूसरे फाइल को ओपन कर दिया, ठीक है। दूसरा फाइल जो है डेटा फाइल टू, डेटा फाइल टू 20 GB, डेटा फाइल टू 20 GB। इधर ट्रांजेक्शन चल रही है, इधर किसी ने फाइलों को चेक कर दिया। और सडनली सिनेरियो क्या आ गया, अभी फिलहाल मेरे पास इसका बैकअप भी नहीं है, मेरे पास बैकअप भी नहीं है। लेकिन यह केस है कि चलो यार ये फाइलें हमारे पास हमने रिनेम कर दिया, इन द केस है, ठीक है। मैं सीपी कर देता हूँ, डेटा फाइल 02 ओल्ड, ठीक है। हम इसको लेके चला जाते हैं इसमें 01 इसको ही पीछे कर दिया, बैकअप रूम में डाल दिया, ठीक है, बिना कुछ चलाए, ठीक है। और देखो बंक कितना फंसेगा सिचुएशंस, ठीक है। ये सिचुएशंस इधर कॉपी चल रहा है, इधर इंसर्ट चल रहा है, ठीक है। फिलहाल कॉपी तो कंप्लीट हो जाए, फिर हमारा कॉपी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इधर चलते चलते हमारे सिस्टम में हमारे कोई महोदय आए और उन्होंने क्या कर दिया, क्यों किया भाई, मेरा मूड आया, मैंने कर दिया। नौकरी करी नहीं है, नहीं करी नहीं है, मूड आया कर दिया। अब इसने सडन अबोर्ट कर दिया, सेशन खत्म। अब आप क्या कर रहे हो, आप क्या करोगे, स्टार्टअप देखो क्या करता है स्टार्टअप। तो हो गया, बट ये फाइल ही नहीं है इसके पास, सिस्टम प्रॉब्लम तो बढ़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करें, हम करें यहाँ देखें, ये फाइल 2 है, एमपी डेटा फाइल 2 डेटा फाइल, क्या दिया है ना, स्टार्ट ही नहीं होगा, रिकवर डेटाबेस चला है, इट मीन पूरे डेटाबेस की रिकवरी होना स्टार्ट हुआ, यहाँ जो भी इशू इधर फाइल था सब हमने सिंक कर दिया, ठीक है। इधर रिकवरी चलना स्टार्ट हो गया, फुल डेटाबेस की रिकवरी चलना स्टार्ट हो गया, जो भी ट्रांजेक्शन होगा ये ट्रांजेक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है। रिकवरी कंप्लीटेड, ठीक है। अब अल्टर डेटाबेस ओपन हो गया, ठीक है। फिर ओपन हो गया, चेक कर लीजिए, सेलेक्ट ओपन $20 डेटा आ गया। इसको बोल दीजिए तो कमांड चला दे, बोल दी आराम से आया, फिर से शट कर दिया। ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड एंड डेटा मैच्योर लाइफ। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपका जो कमांड चला है, इट मीन्स फुल